नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR Academy में। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे चलेंगे और आज हम केमिकल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल नेम क्या होते हैं हर्बिसाइड के, और कौन सा हर्बिसाइड किस ग्रुप में आता है, किस तरह से फॉर्मुलेशन बनता है, ये सब हम आपको 3 से 4 वीडियोज में आपको बताएंगे। और बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी कोई भी केमिकल नेम होगा उसका ट्रेड नेम पूछा जाता है, कोई भी केमिकल होगा आपका हर्बिसाइड होगा और वो किस ग्रुप में आता है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे, केमिकल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि केमिकल कंट्रोल क्या होता है, ये हमने एक लेक्चर में बताया था आपको। तो केमिकल कंट्रोल जब हम हर्बिसाइड का यूज करते हैं, किसी केमिकल का यूज करते हैं, किसके लिए, वीट के कंट्रोल के लिए, तो हमारा केमिकल कंट्रोल कहलाता है। तो आज हम सबसे पहले हर्बिसाइड की बात ही करेंगे। हर्बिसाइड का जो हमारा कॉमन नेम होता है और उसका ट्रेड नेम क्या होता है, इसकी आज हम आपको पूरी एक लिस्ट बनवाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कॉमन नेम मीन्स जो उसका केमिकल नेम होता है, जिसका यूज हम करते हैं स्टडी में, और जो मार्केट में अवेलेबल होता है जिस नाम से, वो हमारा ट्रेड नेम कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हमारा एला क्लोर क्या है, एला क्लोर इसका जो ट्रेड नेम है वो है हमारा लासो। क्या है लासो, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। इसके बाद है एनिलोफॉस, एनिलोफॉस जिसका नाम है हमारा एनिलोगार्ड, एनिलोगार्ड करके ये आपको कहाँ मिलेगा मार्केट में, अगर आप लेने जाएंगे इसका तो ये एनिलोगार्ड के नाम से मिलेगा आपको। इसके बाद है एट्राजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट्राजिन जो कि एट्रा पैक्स के नाम से मिलता है और आपका जेरा पैक्स के नाम से भी ये मिलता है, किसके, जेरा पैक्स नाम से। एट्राजिन के बाद है आपका बारबान जो कि कार्बाक्जिन होता है, बारबान कार्बाक्जिन। कुछ जो आपके हर्बिसाइड है वो आपके ट्रेड नेम से ज्यादा फेमस रहते हैं, जैसे कार्बाक्जिन हो गया, ये आपको बारबान आपने कम सुना होगा, कार्बाक्जिन ज्यादा सुना होगा, तो ये अपने ट्रेड नेम से ज्यादा फेमस है। इसके बाद है बेन सल्फ्यूरॉन जो हमारा होता है लैंडॉक्स। इसके बाद है हमारा ब्यूटाक्लोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रेड नेम बहुत ज्यादा पूछा जाता है ब्यूटाक्लोर, इसका ट्रेड नेम जो होता है वो होता है मचेटी। क्या होता है, मचेटी। एक और होता है एमाक्लोर जो ज्यादा पूछा नहीं जाता आपको। इसके बाद है ब्यूटाइलेट जो कि आपको मार्केट में मिलेगा किस नाम से, सुल्तान नाम से, किससे, सुल्तान नाम से। इसके बाद है डाइक्लोबेनिल जो कि आपको मिलेगा डाइक्लोमेक के नाम से, किस नाम से, डाइक्लोमेक नाम से। इसके बाद आपका आता है डाइक्वाड, क्या आता है डाइक्वाड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडिसाइड है, हर्बिसाइड है, डाइक्वाड पैराक्वाड हो गई आपके, तो डाइक्वाड जो आता है वो आपका आता है किस नाम से, एक्वासाइड नाम से। डाइक्वाड एक्वासाइड नाम से क्यों आता है, क्योंकि इसका ज्यादातर यूज आप कहाँ करते हैं, जो एक्वेटिक वीड होते हैं, जो जल में उगने वाले वीड होते हैं उनके कंट्रोल के लिए, अगर आपको एक्वेटिक वीड का कंट्रोल करना है तो डाइक्वाड का ही यूज करेंगे, उसी नाम पे इसका नाम पड़ा है एक्वासाइड। इसके बाद आता है आपका डाइयूरान जो कि है कारामैक्स। इसके बाद फ्लूक्लोरालिन जो कि आपका कहलाता है बेसालिन, ये प्री प्लांट इमर्जेंस होता है, प्री प्लांट इनकार्पोरेशन बेसालिन, ये अभी हम आपको बताएंगे कि ये क्या होता है, प्री इमर्जेंस, पोस्ट इमर्जेंस और प्री प्लांट इनकार्पोरेशन, मतलब इनका क्या होता है कि इनमें ना तो आपके जो PPI होते हैं उनमें ना तो आपका वीड उगा होता है और ना ही आपका क्रॉप उगी होती है, वहां पर सोइंग ही नहीं हुई होती उसके पहले इनका एप्लीकेशन हो जाता है। तो ये आपका कौन सा होता है, फ्लूक्लोरालिन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आपका जो PPI हर्बिसाइड है वो कौन सा है, तो वो है आपका बेसालिन। इसके बाद आता है आपका ग्लाइफोसेट, ये भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, ग्लाइफोसेट जो कि है आपका क्या, राउंडअप कहलाता है, क्या कहलाता है, राउंडअप। ग्लाइफोसेट क्या होता है, ये आपका है जो नॉन सिलेक्टिव, और ये है आपका क्या, नॉन सिलेक्टिव है
और ये ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है। वही पैराक्वाट क्या है, ये वो नॉन सिलेक्टिव है लेकिन कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है। इसका मतलब क्या होता है कि ग्लाइफोसेट जो है वो कोई भी हर्ब हो, कोई भी पेड़ हो, वो सबको नष्ट करेगा। और वो क्या करेगा कि वो उसके सिस्टम में जाकर, पहले वो उसकी पत्तियों पे गिरेगा अगर हमने इनकॉर्पोरेट किया, उसके बाद वो उसके सिस्टम में जाके मेटाबॉलिज्म जाके उसको क्या करेगा, नष्ट करेगा। लेकिन जो पैराक्वाट होता है वो अगर कॉन्टेक्ट में ही आ जाता है किसी हर्ब के या किसी प्लांट के तो उसको नष्ट कर देगा। तो इन दोनों में यही अंतर है। पूछा जाता है कि कौन सा आपका नॉन सिलेक्टिव कॉन्टेक्ट है और कौन सा आपका नॉन सिलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड है। तो ग्लाइफोसेट जो होता है वो नॉन सिलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड होता है और जो पैराक्वाट होता है वो आपका नॉन सिलेक्टिव कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड होता है। इसके बाद आपका है आइसोप्रोट्यूरॉन, आइसोप्रोट्यूरॉन जो कि एरिलॉन कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज सबसे पहले आप करते थे किसके, गेहूं के मामा के लिए, लेकिन अब ये क्या है, ये बैन हो चुका है। तो इसकी जगह अब यूज होता है क्या, सल्फो सल्फ्यूरॉन। ये बैन क्यों हो गया, बैन भी हो गया और दूसरी बात जो आपका गेहूं का मामा होता है फेलेरिस माइनर, उसमें क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया इस हर्बिसाइड के लिए। किसके लिए, आइसोप्रोट्यूरॉन के लिए। मतलब अब अगर आप आइसोप्रोट्यूरॉन का एप्लीकेशन भी करते हैं तो वो उसके लिए रेजिस्टेंट हो गया है, अवरोधी हो गया है, वो उससे नष्ट नहीं होता है। तो अब इसकी जगह सल्फो सल्फ्यूरॉन का यूज होने लगा है। किसके लिए, आपका गेहूं के मामा के लिए। इसके बाद है एमसीपीए जिसे हम कहते हैं चिपटॉक्स, एमसीपीए चिपटॉक्स कहलाता है ये। नेक्स्ट है आपका मेटाक्लोर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रेड नेम पूछा जाता है मेटाक्लोर, जो कहलाता है आपका डुअल, क्या कहलाता है, डुअल। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है मेट्रीब्यूजिन जिसे कहते हैं सिनकोर, मेट्रीब्यूजिन सिनकोर। अगला है हमारा मेट सल्फ्यूरॉन, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके उठते हैं, ट्रेड नेम अक्सर पूछे जाते हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट वीडीसाइड या हर्बिसाइड होते हैं उनसे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट है आपका मेट सल्फ्यूरॉन जिसका ट्रेड नेम है आपका एस्कॉर्ट, क्या है, एस्कॉर्ट। और फिर जो है आपका वो है ऑक्जा डायाजोन जो कहलाता है रॉनस्टार, ऑक्जा डायाजोन जिसका ट्रेड नेम है रॉनस्टार। अगला है आपका फिर आगे क्या, अब आगे आपका पैराक्वाट जो हमने आपको बताया था, क्या है ये, नॉन सेलेक्टिव कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है ये पैराक्वाट, जिसका नाम है ग्रेमेक्जोन या फिर बीडॉल, ग्रेमेक्जोन, ये आपको ग्रेमेक्जोन नाम से भी मिलेगा, ग्रेमेक्जोन और बीडॉल नाम से भी आपको ये बाजार में मिलेगा। इसके बाद है पेंडीमेथिलीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्या, पेंडीमेथिलीन पल्सेस में यूज होता है आपका पेंडीमेथिलीन, जिसका नाम है आपका क्या, स्टॉम, क्या है, स्टॉम। पेंडीमेथिलीन का जो ट्रेड नेम है वो है स्टॉम। इसके बाद है प्रोपेनिल, प्रोपेनिल जो है स्टॉम F34। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पेंडीमेथिलीन का सिर्फ है आपका स्टॉम और जो प्रोपेनिल है उसे स्टॉम F34 भी कह सकते हैं, या कहीं कहीं पर सिर्फ स्टॉम लिखा होता है स्टॉम F34, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद है थायोबेनकार्प जिसे हम कहते हैं बोलेरो, थायोबेनकार्प जो हर्बिसाइड है इसका जो ट्रेड नेम है वो है बोलेरो, और जो हमारा लास्ट है वो है 24D, 24D ये आपको मिलेगा वीडार नाम से, वीडार नाम से। साथ में आपको मिलेगा ग्रेमेक्जोन, ग्रेमेक्जोन नाम से, या इसी को फर्नक जोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको फर्नक जोन ही लिख देते हैं, फर्नक जोन नाम से। और तीसरा जो है ये वीडॉन नाम से भी मिलता है, वीडॉन नाम से। इसके तीन फॉर्मुलेशन होते हैं, एक जो होता है वीडॉन जो होता है ये आपका सोडियम साल्ट होता है, वीडार जो होता है फर्नक जो ये आपका एमीन साल्ट होता है, और ये आपका वीडार जो होता है ये आपका होता है ईथर साल्ट। इनके ये तीनों के अलग अलग नाम होते हैं। तो ये 24D हो गया। तो ये आज हमने आपको बताया जो हर्बिसाइड होते हैं जिनसे हर्ब का कंट्रोल या वीड का कंट्रोल करते हैं वो हमें मार्केट में किस ट्रेड नेम से मिलेंगे, ये ट्रेड नेम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड बेस्ड ऑन देयर केमिस्ट्री। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।